फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वोकैबुलरी का क्विक रिवीजन, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वोकैबुलरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्विक रिवीजन। और वैसे भी अभी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है और एमटीएस का भी एग्जाम आने वाला है, सो आई थॉट कि आप लोगों का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो सबसे पहला जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल और डू अवे विथ, किसी भी चीज़ को रद्द करना। सो इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, अब रो गेट, गेट का पेपर कैंसिल होने से मेरा भाई रो रहा है। इससे एक सेंटेंस भी बन सकता है, जैसे कि द प्रेसिडेंट एब्रोगेट एन ओल्ड लॉ, जो प्रेसिडेंट है वो ओल्ड लॉ को रद्द कर दिए या फिर हटा दिए हैं। नेक्स्ट है एब्डिगेट। एब्डिगेट का मतलब होता है टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, अधिकार या पद का त्याग करना। सो इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। सो एब्डिगेट को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा ए बी अब डिकेट मतलब दिक्कत। सो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, अब दिक्कत आने लगी तो उसने अपना पद का त्याग कर दिया। इससे एक सेंटेंस बनता है, द क्वीन एब्डिगेटेड इन फेवर ऑफ हर सन, जो क्वीन है वो अपना जो पद है वो त्याग कर दी है अपने सन के लिए। सो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं एंड ईजली हमें ये याद रहेगा। नेक्स्ट है अम्ला मैटर। इसका मतलब होता है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय जहाँ शिक्षा प्राप्त की जाती है। सो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, ए एल ऑल मा, ऑल मा से। सो इसका जो ट्रिक है वो है ऑल प्लस मा। किसी भी मैटर में ऑल मा अपने बच्चों की फर्स्ट स्कूल होती है जहाँ हम एजुकेट होते हैं, ठीक है। सो हमारा जो एजुकेशन है वो सबसे पहले हमारी माँ करती है और सभी की माँ करती है। सो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है अबॉलिश। सो अबॉलिश का मतलब होता है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, किसी भी चीज को समाप्त करना या खत्म करना। सो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, ए बोली, संस्कृत एक ऐसी बोली है जो अब समाप्त सी हो गई है, बस गुरुकुल में ही बोली जाती है। सो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं एबॉलिश को ए बोली से। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं इससे एक सेंटेंस बनता है, द गवर्नमेंट इज प्लान टू एबॉलिश सब्सिडाइज टू फार्मर्स। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। सो सबसे पहले तो फोबिया मीन्स होता है फियर एंड एक्रोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ हाइट। इसको हम याद कर सकते हैं एक क्रो या एक क्रो से, एक क्रो जो है उसको फियर होती है हाइट से। सो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो वोकैबुलरी है वो है अ मैक्सिकोफोबिया। सो सबसे पहले तो फोबिया मीन्स होता है फियर, डर, एंड ए मैक्सोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, कार में राइडिंग करने से डर लगना। सो इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, मैक्स, मैक्स मतलब हम मैक्सिमम याद कर सकते हैं एंड फोबिया, मैक्स प्लस फोबिया मतलब मैक्स, मतलब मैक्सिमम लोगों को कार में राइड करने से डर लगता है। सो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अमनेशिया। अमनेशिया का मतलब होता है ही लॉस ऑफ मेमोरी इंक्लूडिंग फैक्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। सो इसका मतलब होता है मेमोरी का लॉस होना, शॉर्ट टर्म या पार्शियल। सो इस वर्ड को हम याद कर सकते हैं ट्रिक से, अमनेशिया। सो इसको हम याद कर सकते हैं अमन प्लस एशिया से, मतलब अमन एशिया जाके सब कुछ भूल गया। सो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एथेइस्ट, जिसका मतलब होता है समवन हु डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के होने पे बिलीव ना करे। सो सबसे पहले तो जो रूट वर्ड होता है थेइस्ट, उसका मतलब होता है बिलीव इन गॉड, एंड ए का मतलब होता है नो, मतलब जो कि बिलीव ना करे गॉड के एग्जिस्टेंस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन एथेइस्ट बिलीव देयर इज नो सच थिंग्स एज गॉड और एनी अदर डिटी, मतलब ऐसे पर्सन जो बिलीव ही नहीं करते हैं कि गॉड है भी या ऐसा कुछ पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्नोस्टिक। इसका मतलब होता है पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट। सो इसका मतलब होता है पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट।
An agnostic is one who believes it is impossible to know anything about God or about the creation of the universe. So, इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं. A का meaning होता है without और gnosis का मतलब होता है knowledge और known. मतलब ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है और हमें लगता है कि वो चीज़ exist ही नहीं करती है या करती भी है या नहीं, इसके बीच में हम sure नहीं है. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अपियरी. अपियरी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट. तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं ए प्लस पी. ए सुबह उठकर हनी वाटर पिया करो. सो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं. इसे एक सेंटेंस बन वी वेंट टू एन अपियरी एंड गॉट रियल शीट ऑफ यूज बी वैक्स. सो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं. सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है एंड आई होप कि आप लोगों को ये क्विक रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को ऐसा क्विक रिवीजन वाला सीरीज़ और चाहिए या नहीं.